हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग जो है पेट की सफाई, चाहे वो मुर्गी हो, मुर्गा हो या आपके जो भी आपके परिंदे हों, उनके लिए बहुत ही जो है ज़रूरी है। चाहे आपका जो पट्टा हो, मुर्गा हो या अंडे देने के लिए तैयार जो मुर्गी हो, या फिर जो जो आपकी ग्रोथ के लिए जो आपके चिक्स हैं, चूजे हैं, 4 महीने 3 महीने के से ऊपर ऊपर, छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो तीन चार महीने से ऊपर ऊपर बच्चे हैं उनके लिए डी वार्मिंग ज़रूरी है। उनके पेट के जो अंदर जो कीड़े हैं, जो कीड़े पल रहे हैं, हो सकता है कीड़े हो सभी के हो सकते हैं के अंदरूनी वो पल जाते हैं अंदर अंदर पेट के अंदर, तो उनकी जो डी वार्मिंग पेट की सफाई जो है ज़रूरी है। ज़रूरी है किस लिए है मैं वो आपको बताता हूँ कि टॉपिक जो रहा वही रहेगा पेट की सफाई के लिए का। तो दोस्तों, पेट पट्ठों के लिए तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लो कोई आपका मुर्गा जो है 3 महीने का है, 4 महीने का है, 4 महीने का, तो वो डी आप जो है उसकी पहले डिवॉर्मिंग करें, उसके बाद में सुबह के समय करें, जब वो आपको सुबह के समय जो आप उसको खोलेंगे डिवॉर्मिंग करें, उसके बाद जो है सुबह के समय करने के दौरान उसमें पानी रखें ताकि उसके जो पेट की जो पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद में जो है उसके जो एक हल्का खाना उसे जो है सख्त जो है, जैसे कि हम शुरू अपना रोज की डेली रूटीन में हम सूखा फीड खिलाते हैं आपको मुर्गी का, जैसे कि उसका मक्का, ज्वार, बाजरा जो भी हम अपना खिलाते हैं दलिया, तो वो फीड आप जो सख्त ना दें, नरम दें, जैसे कि रोटी भिगो कर डाल दी और कोई मतलब, क्योंकि भिगो का सख्त इसलिए डालते हैं हम क्योंकि जो वे कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े जो भी उसके अंदर जो पाई वगैरह जो पड़ जाएंगे उसके अंदर, जो पेट के अंदर निकलेंगे वे सुंडियाँ कीड़े, तो वो जगह जो आतड़ियों हाथों में जो वे जगह छोड़ेंगी तो वहाँ ना वे हो जाएंगे एक छोटे से छोटे छोटे जख्म, तो वो जब जख्म छोड़ेंगे तो उनका थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तकलीफ होएगी। आपने कभी कभी देखा होगा बीट में जो है वो हल्की हल्की पतली बीट में सफ़ेद लाल में एक लाल लाल सा कलर आया था वो, कि या अंडों के ऊपर लाल लाल लाइन सी आ जाती है, वो किस लिए आती है? वो इसलिए आते हैं पेट के अंदर जो है कहीं ना कहीं कीड़े हैं मुर्गियों के। ये छोटी छोटी बात होती है, वो टॉपिक दूसरा है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ अपने टॉपिक से ना भटके वही बात करते हैं हम। तो जो हमारे 4 महीने के बच्चे हैं उनकी पेट की सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है हम उसे खुराक लगाएंगे और खुराक जो है पूरी पूरी जो उनकी उनके जिसामत के ऊपर लगेगी, उनकी हाइट बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। और मुर्गियों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारी मुर्गियाँ हैं वो मान लो, एक मुर्गी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद अभी, मुर्गी हमारी पूरी अंडे को तैयार है, वो क्या नाम है, वो जैसे कि बच्चे निकाल लिए उसने, बच्चे छोड़ भी दिए, पर कोई इससे बिल्कुल फारिक हो गई, पर लैस होगी, परंद होगी पूरी, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ भी अभी परंद हो गई और अब जो अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं आपको एक मुर्गी का शो कराऊंगा इसी वीडियो में, तो अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरी तरह, जो मैं करने वाला हूँ अगली टॉपिक में, अगली जो स्टेप रहेगा मेरी मुर्गियों का वो यही रहेगा कि मैं उस मुर्गी का जो है डिवार्मिंग करूँ, उसका पेट अच्छे से सफा हो जाएगा और उसकी जो है पहले ना आप ये जांच ले अपनी मुर्गी का कि उसकी ना कि अपनी मुर्गी की जो परंद लैस होगी, पूरी परंद होगी, उसके बाद में उसकी झोल चेक कर लें। झोल चेक करने का तरीका यह है, अगर उसके झोल में जो चर्बी होएगी तो वो सख्त होएगी, उसकी जो पोट जो मतलब जो झोल होएगी और चर्बी वाली तो सख्त होती है, लेकिन जो जैसे अंडे बना रखे हैं उन्हें अंडे देने के लिए रेडी हो जाएगी तो वो थोड़ी सी नरम होएगी, फ्लेक्सिबल सा ऐसे होएगी, ठीक है, वो आप देख लेना, चेक कर लेना। तो जब हम डिवॉर्मिंग कर देंगे अपनी मुर्गी की कोई किसी की भी, तो वो खाए पिए के अच्छे से जो है फिर अपने मुर्गी को जो है मुर्गी के साथ जोड़ पे लगाएं, तो देखना कुछ अच्छा ही होगा यानी कि। तो दोस्तों, अगले स्टेप में जो है मैं लगाने करने वाला हूँ अपनी मुर्गी की डिवॉर्मिंग। मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है डिवॉर्मिंग हर चौथे महीने में जो एक बार जरूर करें, जरूर करें, ये बहुत ही काम की बात है। बहुत से जो अपने गांव देहात में जो अनजान आदमी होते हैं, दो चार या एक दो मुर्गी पाल रखी है, उन्हें तो खैर फ्री रेंज में चुग रही हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो क्यों उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जो शौकीन भाई हैं जरूर इस बात का ध्यान रखें, वो जानते भी इस बात को लेकर, ठीक है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।